घर वालों की सूझबूझ से चोरी होने वाला बचा चोर भी पकड़ा गया। गुस्साए गांव वालों ने चोर को पीटा। पालघर जिले के वसई मूल गांव में रात को चोरी के एक बंगले को अपना टारगेट बनाया। दरवाजा तोड़ते समय जब आवाज आई तो जाकर देखा कि चोर को दरवाजे को काट रहे थे। घर वालों और उसकी सूझबूझ से चोरों को पकड़ लिया गया। एक चोर भागने में कामयाब हो गया। चोरों के हाथ से कुछ सामान नहीं लगा। वसई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस भागे हुए चोर को भी पकड़ लिया और चोरी की सारी वारदात बंगले के लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गुस्साए गांव वालों ने चोर को बहुत बुरी तरह पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वसई पुलिस में चोरी की वारदात दिन दिन बढ़ रही है। उसी गाँव में कुछ दिन पहले 3 घरों में चोरी हुई थी और $3,000 लेकर चोर भाग गए थे, पर आज जो बंगले में चोर घुसे वो चारों तरफ से लोहे की जाली और 4 फीट की घेराबंदी किया था। फिर भी चोर ऊपर से चढ़ गए और उनकी नसीब के साथ नहीं दिया। गांव वालों के सूझबूझ और एकता की वजह से चोर पकड़ लिए गए। सीसीटीवी में 2 चोर अपने मुंह में रुमाल बांध कर बंगले में घुस रहे हैं। इसी सीसीटीवी में गाँव के लोगों को किस तरह से चोर को पकड़ा आप देख सकते हैं। हमारे घर में उस दिन परसों रात को 9:30 बजे हमारे जीजू घर में टीवी देख रहे थे और अचानक से ऊपर थोड़ा आवाज आ रहा, तो उनको लगा कि आवाज कैसे है। वो देखने के लिए ऊपर चढ़ गए, अंदर के जीने से ऊपर गए। ऊपर गए थे कांच से उनको 2 आदमी कुछ भी तोड़ते हुए और लॉक कटते वो उन्होंने दिखाई दिया, जो मुंह में कपड़ा बांधा हुए थे और दरवाजा कट रहे थे। तो वो बहुत डर गए। डरने के बाद वो आहिस्ता नीचे आए और उतने में उनका बीबी का उनको फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि घर में चोरी हो रही है, 2 चोर आए। जैसे ही उन्होंने बताया तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है तो आप गपचुप किधर छुप जाओ या घर से बाहर निकलो। वो आहिस्ता ही आगे से, चोरी तो पीछे हो रही थी ना, आगे के दरवाजे से वो रोड पे आए के तुरंत हम लोग को सबको फोन किए। जैसे ही फोन किए, हम 2 मिनट में बाजू में ही रहते, 1 मिनट के अंदर हम लोग स्कूटर लेके आए। आए के बाद हम लोग ने देखा कि पीछे के दरवाजे से वो लोग, अंधेरा पूरा घर में था और वो बैटरी लेके कट कर रहे थे। हम लोग ने आजू बाजू वाले को सबको फोन पे तुरंत बुला लिया। कम से कम 25 लड़के लोग तुरंत आ गए आजू बाजू के, और वो लड़के आए। फिर हम लोग ने शांति से, पहले कोई लाइट भीड़ जलाई नहीं, और शांति से उनको हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दिया कि पीछे वो लोग तोड़ रहे हैं तो हम लोग को आधे अटैक करके वो लोग को पकड़ना है कैसे भी। तो आधे जन हम लोग ने घर के अंदर से एंट्री किया और आधे जन ने बंगले के पीछे के तरफ से गए, और ऐसे ही बिना लाइट के अंधेरे में ही उनके ऊपर अटैक किया लड़के लोग ने और पकड़ ले। पकड़ने में एक हम लोग के हाथ से छूट गया, खुद ही मार के वो तलाव के यहां से खुद ही मार के निकल गया। लेकिन एक को वो बेंच था, वो बेंच के नीचे वो छुपा था, तो एक लड़के का नजर उसके ऊपर पड़ी और हम लोग ने उसको भी खींच के, लड़के लोग ने उसको अच्छे से पकड़ के उनको पुलिस को फोन किया। और उसको पब्लिक भी बहुत जमा हो गई थी, कम से कम 150-200 लोग तुरंत, 10 लोग तुरंत, 10 मिनट में 200 लोग उधर जमा हो गए थे। और पूरे लोगों ने, एक यूनिटी है और हम लोग गांव में रहते हैं और हमारी यूनिटी के तरफ से उससे वो एक पॉसिबल हो गया। नहीं तो उस रात को हम लोग का क्या होता था, क्योंकि उन लोग के पास हथियार थे, कोयता था, ये वो सब धार वाली चीज उनके पास मिली और वो सब है। तो पुलिस को हम बुला के उनको पुलिस के हवाले में
उसको सौंप दिया। मैडम इसके पहले भी और भी गांव में चोरी हुई थी? और हमारे घर के एक 10 मिनट के आगे चौकवाड़ी है, वहां भी दो घर में चोरी हो गई थी। और चनी बोरी यहाँ ये इलाके में 4-5 जगह में चोरी हुई थी, तो लोग भी थोड़े चोरी के वजह से थोड़ा चौकस थे कि यहाँ पे 3-4 चोरी तो हुई है, ऐसे चौकस थे। और ये एक गांव है और गांव में यूनिटी है और हमारी कैथलिक लोग का एक जो समाज है ये सब मिलके रहते हैं सब। और इसके वजह से और जैसे फोन किए तो हम लोग 2 मिनट में इतने लोगों को, मतलब आपके सतर्क की वजह से चोर पकड़ा गया। हाँ, और अंधेरे में हम लोग ने पूरी सावधानी की, प्लानिंग किया कि उनको कैसा पकड़ना है, कोई शोर शार ना किया, लाइटिंग न लगाते हुए आधे इधर से आधे उधर से जाके उनको चोरी करके ले जा नहीं पाया। हाँ, कुछ नहीं, उनको ले उसको पूरा रेड हैंड पकड़ ली।